जयपुर 19 अक्टूबर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि मौसमी बीमारी और डेंगू पर काबू पाने के लिए प्रदेश में 20 अक्टूबर 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विभाग स्थानीय विभाग के साथ मिलकर एंटी लार्वल गतिविधि, फॉगिंग सहित अन्य गतिविधि संचालित करेगा। साथ ही उन 14 जिलों में नोडल ऑफिसर भेजे जाएंगे जहां डेंगू के 150 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। डॉक्टर शर्मा मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ मौसमी बीमारियों को कोरोना वैक्सीनेशन व जांच तथा ऑक्सीजन प्लांट्स आदि की विभागीय तैयारियों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 14 जिलों में डेंगू के 150 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ना हालांकि चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस पर चरणबद्ध रूप से काबू पाया जा सकता है। चिकित्सा मंत्री ने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों का सामना करने के लिए सभी जिलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ रैपिड रेस्पॉन्स टीम के गठन के निर्देशन दिए हैं। उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता के लिए ICC गतिविधियों करने, CHC सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इंडोर मरीजों का उपचार करने के भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा कर्मियों के अवकाश पर रोक लगाने, स्थानांतरित चिकित्सा कर्मियों को तुरंत ज्वाइन करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए ब्लॉक स्तर पर BCMO, जिला स्तर पर CMHO तथा जोन स्तर पर संयुक्त निदेशक की जिम्मेदारी तय करने भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय निकाय से मिलकर एंटी लार्वल गतिविधियों व नियमित फॉगिंग करने के भी निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री ने कोरोना व इसके वैक्सीनेशन का भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान तीसरी लहर से बचाव के लिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नियमित रैंडम सैंपलिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में अब तक लक्षित 82% को प्रथम एवं 40% की द्वितीय डोज दी जा चुकी है। उन्होंने वैक्सीन से वंचित लोगों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाकर वैक्सीन कराने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश के समस्त चिकित्सा कर्मियों से मौसमी बीमारियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए सतर्कता बरतने और कोविड के दौरान किए अच्छे कार्यों की गति को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा ने कहा कि चिकित्सा विभाग ने कोरोना के दौरान प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है। चिकित्सा संस्थानों में इस दौरान मैन पावर की कमी नहीं आ रही। उन्होंने संस्थानों के स्थापित बेड्स, उपकरणों का बीमारियों के दौरान इस्तेमाल करने और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैन पावर और उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग बेहतर तरीके से किया जाएगा तो बीमारियों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बैठक के दौरान चिकित्सक आयुक्त श्रीमती शिवांगी सवरणकार, RMSACL प्रबंधक निदेशक श्रीमती अनुपमा जोरवाल, मिशन निदेशक श्री सुधीर शर्मा, जन स्वास्थ्य निदेशक श्री KK शर्मा सहित सही मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अस्पतालों के अधीक्षक, CMHO, PMO व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।